इस्लाम, और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने हमें ये दिन दिया कि हम हर बात में खुदा की शुक्रगुजारी करें। नंबर वाइज देखेंगे, सबसे पहले तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने पूरा साल हमारी हिफाजत, हमारी निगहबानी की और हमें इस काबिल किया कि आज हम फेलोशिप में सब एक दूसरे के साथ शरीक हैं। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें पूरा साल जिंदा रखा। नंबर दो, खुदावंद के घर की शुक्रगुजारी, खुदावंद के घर के कामों के लिए, उसकी बहाली के लिए कि खुदावंद ने हमें हमारा घर खुशहाल किया, हमने हर तरह से खुदावंद के घर की हिफाजत की, खुदावंद ने अपना रहम हम पर रखा और हमें हर चीज़ मुहैया की। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और नंबर तीन, पास्टर साहब सैमुएल बी मैसी के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं, उनकी खिदमत के लिए, उनके पास पाने के लिए, और कि उन्होंने बहुत ज़्यादा सालों से वो इस चर्च की खिदमत कर रहे हैं, ना कि इस चर्च में प्रेस्बिटेरियन चर्च मक्का कॉलोनी में, बल्कि खुदावंद उन्हें अपने जलाल के लिए हर जगह इस्तेमाल करता है, पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी। हम उनके लिए, पास्टर साहब के लिए दिल से शुक्रगुजार हैं उनकी इस खिदमत के लिए। नंबर फोर, वुमेन कोऑर्डिनेटर हिना अफजल के लिए हम उनका शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने उनको खिदमत के लिए चुना है और वो डिफरेंट फॉर्म्स में उनकी खिदमत है, उसके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। नंबर फाइव, इंतज़ामिया के लिए, उनकी खिदमत के लिए, आइज़िक भाई के लिए, मेरे लिए, मिसेस किश्वर के लिए, हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हम सब मिलकर एक टीम होकर हम इस खिदमत को सर अंजाम देते हैं। संडे स्कूल टीचर्स के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें बहुत अक्लमंद टीचर्स दी हैं जो खुदावंद की खिदमत करती हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं वो हमारा आने वाला कल है। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने उनको इस काबिल किया। रिफर कैथरीन के लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं और रुखसाना बाजी के लिए। फिर उसके बाद नंबर सिक्स जो है वो हम शुक्र करते हैं क्लीसिया के लिए कि हमारी क्लीसिया बड़ी मैदार क्लीसिया है, हमारे हर काम में वो हमारा साथ देती हैं, उनके इस फेलोशिप के लिए, उनकी खिदमत के लिए हम तह दिल से क्लीसिया के शुक्रगुजार हैं। और इसी हम शुक्रगुजारी को आगे बढ़ाएंगे और हम मिलके इस फेलोशिप में हम मिलके खुदावंद का शुक्र करेंगे, क्योंकि ये शुक्रगुजारी की इबादत है। तो हम शुक्रगुजारी के लिए गीत गाएंगे, ज़बूर 136, शुक्र यहोवा दा ही करो, करो शुक्र यहोवा दा। मुबारक हो और नया आने वाला साल आप लोगों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आए।
इस फेलोशिप के लिए आप लोगों का थैंक यू, आप लोगों ने टाइम निकाला, हमें टाइम दिया, आप लोगों का थैंक यू, आप लोग केक एंजॉय करें, चाय एंजॉय करें, थैंक यू सो मच। खुदा की सलामती आप सबके साथ हो। खुदा के जिंदा कलाम में से जबूर 138 और उसकी पहली आयत से लेकर चौथी आयत तक मैं आपके सामने पढ़ूंगी। मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, माबूदों के सामने तेरी मदा सराई करूंगा, मैं तेरी मुकद्दस हैकल की तरफ रुक करके सजदा करूंगा और तेरी शफकत और सच्चाई की खातर तेरे नाम का शुक्र करूंगा, क्योंकि तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज्यादा अजमत दी है। जिस दिन मैंने तुझसे दुआ की, तूने मुझे जवाब दिया और मेरी जान को तकवीर देकर मेरा हौसला बढ़ाया। ऐ खुदावंद, जमीन के सब बादशाह तेरा शुक्र करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे मुंह का कलाम सुना है। खुदावंद के खूबसूरत और जिंदा कलाम से आप सबको बरकत मिले। आमीन। मसीह में आप सबको सलाम। मैं किताबे मुकद्दस में से जबूर पढ़ूंगी 103, उसकी 3 आयतें। मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कुदूस नाम को मुबारक है। मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ उसने है उसके कुदूस नाम को मुबारक है। और वो तेरी सारी बदकारियों को बख्शता है और वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देगा। अब मैं दावत दूंगी शुक्रगुजारी के हवाले से हिना अफजल को, जो वुमेन कोऑर्डिनेटर हैं, वो आएंगे और अपना थॉट पेश करेंगी कि हम हमारा क्या मकसद है शुक्रगुजारी के हवाले से। हम इस ज़मीन में रहते हुए कि हम क्या कुछ करते हैं जिससे हम खुदावंद के नाम को जलाल दें। तो हिना अफजल और ऐ भाइयों, हम तुमसे दरख्वास्त करते हैं कि जो तुमने मेहनत करते हैं और खुदावंद में तुम्हारे पेशवा हैं और तुमको नसीहत करते हैं, उन्हें मानो और उनके काम के सबब से मोहब्बत के साथ उनकी बड़ी इज्जत करो, आपस में मेल मिलाप रखो। और ऐ भाइयों, हम तुम्हें नसीहत करते हैं कि बेकायदा चलने वालों को समझाओ, कम हिम्मतों को दिलासा दो, कमज़ोरों को संभालो, सबके साथ तहम्मुल से पेश आओ। खबरदार, कोई किसी से बदी के इवज बदी ना करे, बल्कि हर वक्त नेकी करने के दर पे रहो। आपस में भी और सबसे हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। रूह को ना बुझाओ, नबूतों की हकारत ना करो, सब बातों को आजमाओ, जो अच्छी हो उसे पकड़े रहो, हर किस्म की बदी से बचे रहो। मुबारक हो खुदा के कलाम का पढ़ा और सुना जाना। पहले तो सबसे पहले इसी बात के लिए शुक्रगुजारी कि हम खवातीन हैं, क्योंकि कलाम में जहाँ देखें खवातीन का हमें बहुत जिक्र मिलता है और उनकी पेशकदमी मिलती है। जहाँ पर मर्द नहीं थे वहाँ पर खवातीन थी, सबसे पहले खुशखबरी देने वाली, खुशखबरी को फैलाने वाली और खुदा की रूह को और खुदा की रूह से भरने वाली ही खवातीन थी। तो हम इस चीज़ को ज़रूर सुनते हैं, आगे इमाल में पढ़ते हैं कि खुद जब रूह नाजिल हुआ कि कैसे रूह शागिर्दों पर नाजिल हुआ। लेकिन उससे पहले अगर हम गौर करें तो जब मुकद्दसा मरियम के पास फरिश्ता आया तो जब उसने वो रूह से भरी तो उन्होंने उन बातों को अपने दिल में रख के गौर किया, तो वो जो रूह से भरी, तो रूह तो पहले अगर हम देखें तो खुशी की बात हो या ब्लेसिंग्स की बात हो, ज़िंदगी की बात हो, शुरू तो खवातीन से ही होगी। तो किस किस बात की हम शुक्र ना करें? मेरा ख्याल है कि क्रिसमस अगर हम देखें तो खुशी और शुक्रगुजारी दोनों पैदल हैं। जहाँ हम खुशी की बात देते हैं तो वहाँ पर हम सबसे पहले आपसे कोई हाल पूछे हम यही कहते हैं शुक्र है खुदा का। तो जब हम शुक्र करते हैं तो खुशी हमारे चेहरों से, हमारे रवैयों से, हमारे इरादों से, करदारों से चलती है। तो अगर किसी शख्स की ज़िंदगी में शुक्रगुजारी नहीं है तो खुशी उसकी ज़िंदगी में भी नहीं हो सकती, मेरा ऐसा मानना है। ना वो खुश रहेगा, ना वो दूसरे को खुशी में देख सकेगा और ना वो चाहेगा कि दूसरा खुशी में रहे और वो थैंकफुल रहे और ग्रेटफुल रहे।
और जब हम खुश होते हैं तो हम रूह से रूह में बढ़ते हैं और जुड़े रहते हैं। खुशी और शुक्रगुजारी दोनों ही रूह को ताज़ी बख्शती है। तो जब हम ऐसा करें, जब हम शुक्रगुजारी करते हैं तो सबसे पहले हम अपनी तमाम उन कोशिशों और शक्तियों की याद दहानी करते हैं कि क्या प्रोसेस से हम गुजरे हैं और किस प्रोसेस में जा रहे हैं। तो ये जो ग्राइंडिंग सिचुएशन कह लें या ये जो हम कह लें कि एक रास्ता है थोड़ा पथरीला या कांडों भरा, अगर हम इसको खुशी से अपनाएंगे, इसकी शुक्रगुजारी करें तो आखिर में बाग तो फूलों से भरा ही होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं कि बाग में सूखे पत्ते नहीं होंगे, सूखे पत्ते होंगे तो खूबसूरती रहेगी। ज़िंदगी में मुश्किलात मुसीबतें रहेंगी तो ज़िंदगी खूबसूरत रहेगी, बिना इनके भी ज़िंदगी का कोई मज़ा नहीं। और अगर ये नहीं होंगी तो हम फिर शुक्रगुजारी भी कैसे करेंगे। तो शुक्र करते हैं साल की तमाम भर उन नेमतों, उन बरकतों, उन आजमाइशों, उन तकलीफ़ों का जो एक बतौर कलीसिया, बतौर इंसान, बतौर रूह में एक होते हुए हम सब ने देखी। और स्पेशली इस बात के लिए कि जिनके इरादे इस खुदा के घर के लिए अच्छे नहीं थे, लेकिन खुदा हम उनके शुक्र करते हैं कि बहाल करने वाला वही है, क्योंकि बुराई से भलाई पैदा होती है और बिना भलाई के इंसान का वजूद क्या है, कुछ भी नहीं। तो हम बुरा मनसूबा बांटते हैं, लेकिन उस बुरे मनसूबे में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी बात के लिए कोई ना कोई भलाई होती है, वाजिया वक्त के साथ हो, लेकिन शुक्र करते रहना चाहिए। और जब हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी आती है तो माफ़ी जो है वो सबसे पहले आती है, क्योंकि जब खुदावन ने अपनी जान दी तो सबसे पहले सलीब पे एक ही बात की कि इनको माफ़ करें। जब हम माफ़ करेंगे तो माफ़ किए जाएंगे, क्योंकि हम नहीं जानते कि रोज़ हम अपनी किन बातों से, किन इशारों से या एक्शन से यानी किसी की दिलजोई करें तो वो हमारे लिए ना हो। लेकिन माफ़ करना, माफ़ी खुद भी मांगना, ये भी एक अमल है। और अमल तो ज़िंदगी में जारी रहेगा तो ही ज़िंदगी का तसलसल बहाल रहेगा। और किसी समय अपनी ज़िंदगी में मुंसलिक जो शुक्रगुजार में हैं, माफियाँ हैं और किरदारों की बहालियाँ, उस पर सोचने को ज़रूर एक दफ़ा मजबूर करता है। यही नहीं कि हम अच्छा अच्छा तैयार हो जाए, जिस्मानी तैयारी के साथ साथ रूहानी तैयारी भी तो एक अमल है। और हमारी कोशिश यही रहती है कि हम उस अमल में गुजरते रहें साल भर, हर रोज़, हर लम्हा। तो जब जहाँ हम जिस बात के लिए शुक्र कर सकते हैं हमें करना चाहिए। सबसे पहले तो शुक्र हम आज इकट्ठे हैं उन तमाम जो हमारे पिछले दिनों में थोड़ा हार्डशिप रही है, सबने मिल के उसको देखा है, उसके लिए शुक्र भी किया, उसके लिए दुआ भी की है। तो परेशानियां ज़िंदगी का हिस्सा है, थोड़ी देर हम इंसान हैं, हो सकते हैं परेशान होना भी चाहिए, वाजिब है। परेशानी होंगे तो फिर खुशी का इजहार कैसे ज़्यादा कर सकेंगे। तो हंसते मुस्कुराते चेहरों से ही करें, हम नहीं सोचें, स्माइल एक बहुत अच्छी नेमत है, हंसते रहना चाहिए। कोई नहीं भी हंसना चाहता तो भी हंसें तो, क्योंकि जब हम मुस्कुराएंगे तो पता चलेगा कि हम क्यों मुस्कुराते हैं। क्योंकि ये मेरा ख्याल है कि मसीह ज़िंदगी की एक पहचान है, क्योंकि उसने कहा है कि हर वक्त खुश रहो, तो हर वक्त खुश रहना चाहिए। किसी को देखते हैं तो भी खुश रहें कि अगला अच्छी सेहत में है। हम जब एक पूरे हफ्ते बाद एक दूसरे को मिलते हैं तो उसके लिए भी शुक्र करना चाहिए। तो मैं ज़रूर कहूँगी कि आज जब हम जाएँ उसके पहले, जब हम एक दूसरे से मिलें, एक दूसरे से बात रखें, एक दूसरे से हाल पूछें, ज़रूर पूछें उस शख्स का, ज़रूर शुक्र करें एक किसी न किसी एक बात के लिए, बेशक उसको देख के खुशी हुई या मिल के खुशी हुई कि हम मिलते हैं। और खुशी होती है जब हम एक दूसरे से दोबारा अच्छी सेहत में, अच्छे इरादों में, अच्छी खुशी में मिलते हैं। तो जब हमारी ज़िंदगी में शुक्रगुजारी होगी तो खुशी खुद को ज़िंदगी में आ जाएगी, और जब ज़िंदगी खुशहाल होगी तो हम दूसरों को भी खुशियाँ बांटने वाले होंगे। और मसीही ज़िंदगी और मसीही होते हुए हम जब ये देखते हैं कि हमारे मुल्क के हालात क्या है तो हम मायूस हो जाते हैं, क्योंकि फिर जो वादा है उसका कि हर वक्त खुश रहो, तो जब हम खुश रहेंगे तो ये जो हमारे हालात हैं दुनिया के, मुल्क के, तो हमें इनसे भी निकालेगा। अभी तक उसने हमें निकाला तो आगे भी निकालेगा। सेम एज इन केस के हम जब आपस में दुनिया के हालात के मुताबिक भी अगर देखते हैं तो आपस में भी जब देखते हैं कि हमारे इन चर्च क्या हालात हैं, उससे भी बाखबर रहना चाहिए। हम एक दूसरे की फिक्र ज़रूर करें, लेकिन एक दूसरे की
इरादों में भी कोशिश करें कि हम जान सके, दुआ करें अगर आप हमें नहीं मालूमगा कि, क्योंकि हम एक दूसरे के लिए भलाई वाले बने हैं, एक दूसरे के लिए बुराई का मन से बबा नहीं वाले काम बने हैं, क्योंकि जो हम दूसरे के लिए बांधते पहले अपने लिए बांधते हैं, तो खुद के लिए अच्छा चाहते हैं तो दूसरों के लिए भी अच्छा ही चाहेंगे। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि हर बात के लिए शुक्र करें, चाहे वो अच्छी है या बुरी है, ठीक है, बुरी बात के पीछे भी जो भलाई है वो हम नहीं जानते। बस इन दरपेश मुशक्तों हंसी खुशी से और खुशियाँ जो दरपेश हैं हमने, हर बात के लिए शुक्र करें। मैं आप सबका शुक्र करती हूँ और मेरा जिन शुक्र गुजारी से भरा है कि आप अच्छे दिल से आते हैं, कबूल करते हैं और हम एक दूसरे को खुशी से मिलते हैं और खुशी से देखते हैं। तो वंस अगेन थैंक यू और स्टे हैप्पी। शुक्रगुजारी के हवाले से एक और हवाला है, मैं रिफर जफर को कहूँगी कि वो सामने आए और शुक्रगुजारी का हवाला पेश करें। नसीब आप सबकी सलामती और मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबको क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। तो आज शुक्रगुजारी के हवाला से मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी पहला तवारीख, उसका 16वां बाब, उसकी 8 आयत से लेकर 12 आयत तक। खुदा की शुक्रगुजारी करो, उससे दुआ करो, कौमों के दरमियान उसके कामों का इश्तहार दो, उसके हजूर गाओ, उसकी मदा सराई करो, उसके सब अजायब कामों पर चर्चा करो, उसके पाक नाम पर फख्र करो, जो खुदावंद के तालिब हैं उनका दिल खुश रहे। तुम खुदावंद और उसकी कुवत के तालिब हो, तुम सदा उसके दीदार के तालिब रहो, तुम उसके अजायब कामों को जो उसने किए और उसके मौजों को और सब मुगे आयन को याद रखो। अय उसके बंदो इसराइल की नस्ल, बनी याकूब जो उसके बरगजीदा हो, वो जो खुदावन हमारा खुदा है, तमाम रोए ज़मीन पर उसके आयन हैं। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। शुक्रगुजारी के हवाले से मैं कस्टीना को बुलाऊंगी, वो कलाम मुकद्दस में से ज़बूर, क्योंकि ज़बूर पूरा ज़बूर ही इसी तरह शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। तो कस्टीना आप सामने आए और शुक्रगुजारी के हवाले से ज़बूर सुनो। ज़बूर 100 की तलावत करेंगे। अहले ज़मीन सब खुदावत के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावत की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो, जान रखो कि खुदावत ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसके बारगाहों में दाखिल हो, उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। हम सब जानते हैं कि औरतों का बहुत ज़्यादा मुकाम होता है, औरत अपनी फेलोशिप में बहुत से घरानों को चेंज करती हैं, बहुत से मुल्क को तब्दील करती हैं। हम औरत के लिए खुदावंद का शुक्र करते हैं और इसकी एक मिसाल छोटी सी मैंने लिखी हुई है कि जिस तरह एक किसान जो है अपनी ज़मीन से प्यार करता है, वो उसमें हल जोशता है, उसको हमवार करता है और फिर उसको अच्छी तरह नरम करके उसमें एक बीज बोता है और वो बीज बहुत ज़्यादा फल लाती है। तो जब वो पक कर तैयार हो जाती है तो वो बहुत खुश होता है कि मेरे इस ये फसल जो है वो दूर दूर तक जाएगी और बहुत से लोग इस फसल से शेर और आसूदा होंगे। इसी तरह पैदाइश में जब खुदावंद ने दुनिया को सब कुछ बनाया तो फिर उसने देखा कि बहुत अच्छा है, तो उसके लिए भी हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। और हमारे जो पासवान हैं उन्होंने भी बहुत से बीज बोए जो बारावत हुए और जिन्होंने बहुत सा फल लेकर आए और वो ना के पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं।
तो है ना उसमें ज़्यादा मैं नाम लूँगी, दो तीन लोगों का रेहान डैनियल है जो हमारे पास्टर साहब ने एक बीज बोया, फिर कामरान सुहेल कामरान है, जेम्स हैं, उन्होंने खुदा का ये बीज पासवान हमारे पास्टर साहब भी मैसी सैनल साहब ने बोया जो बारावत हुआ और बहुत सा फल लाया। और हिना अफजल बेसिकली इनका ताल्लुक प्रेस्बिटेरियन चर्च 7F मक्का कॉलोनी से है और ये वुमेन कोऑर्डिनेटर हैं। ये मुख्तलिफ डिफरेंस फॉर्म्स पर अब खुदावन के नाम को जला देती हैं और हम इनकी खिदमत को तह दिल से शुक्र करते हैं क्योंकि ये नौजवान बेटी है जो खुदावन के नाम को जला देती है। ये भी बीच पास्टर सैमुअल मैसी साहब ने बोया है जो एक अच्छा फल लाया और हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि इस फल ने भी रेहान की तरह और सुहेल कामरान की तरह जेम साहब की तरह मुख्तलिफ नेशनल और इंटरनेशनल फॉर्म्स पर इन्होंने खुदावन के नाम को जलाल दिया। तो हम इनको और ये मुख्तलिफ चर्चिस में ECHD एक तंजीम है जो सब चर्चिस के साथ मिलकर काम करती है और उसमें हिना अफजल इस तंजीम में यूथ कोऑर्डिनेटर हैं और वो मिलकर काम करती हैं, उनके लिए हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। तो हिना आप ज़रा सामने आए, हमारी वुमेंस की तरफ से आपके लिए लव ऑफ टोकन है, आप प्लीज सामने आए। क्योंकि कादर मुतलक खुदा जो पूरा करने वाला, कायम करने वाला और कायम रखने वाला खुदा है, उसने इस हैकल को फिर से तामीर कर दिया, खड़ा कर दिया ताकि हम आकर यहाँ पर फिर से अपने सरों को झुका सकें, सजदे में जा सकें और अपने खुदावंद खुदा की बदासराई कर सकें। मैं अपने खुदावंद की नहायत शुक्रगुजार हूँ जिसने हमारी आँखों के आंसू पोंछ दिए। वो मेहरबान है, वो रहीम है, वो रहम करने में धीमा और शफकत में रहने, उसी ने आज का दिन बख्शा है कि हम सब इकट्ठे होकर उसके नाम को इज्जत और जलाल दें, उसके पैदा होने के दिन की खुशी में इकट्ठे हो सकें। बहनों को फसल बख्शा खुदावंद ने कि वो आएँ ताकि उसकी हजूरी में झुक सकें। कस्टीना आप सामने आए और इनके लिए, इनके खानदान के लिए, बच्चों के लिए, फैमिलीज के लिए आप प्रे करें कि खुदावंद को इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। अपने सरों को झुकाएंगे क्योंकि ये जो कुछ भी आप लोग देख रहे हैं उसके पीछे जो मेहनत है उन सब के लिए हम खुदा का शुक्र करेंगे और अपने भाइयों के। ऐ खुदा कद्दू सिंदास माई बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं, तेरे कदमों में झुकते हैं कि खुदावंद तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही है जिसने आज तक हमें हमारे कदमों पर खड़ा किया है और ना हमें सिलाई नहीं पर तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद यीशु खास तौर से मैं अपने इन सारे भाइयों को और इन बेटों को खुदावंद जिन्हें नौजवानों को तूने इस्तेमाल किया अपने घर के लिए, खुदावंद अपने कामों के लिए तूने इस्तेमाल किया है आज इस सारे इंतजाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं और दुआ करती हूँ खुदावंद इन सारे भाइयों को बच्चों को खुदा कसर से बरकतें दे। खुदावंद मेरी इल्तिजा है उनके खानदानों में किसी चीज़ की कमी ना हो, इन्होंने तेरे घर की फिक्र की है, इन्होंने तेरे घर के लिए काम किया है, खुदावंद तू इनके घर में किसी चीज़ की कमी ना होने दे। कसर से खुदावंद अपनी बरकतों के दरवाजे खोल कर, खुदा आसमान के दर दरीचे खोल के इनके घर पर अपनी कसरत की बारिश करना। खुदावंद हर किस्म की बरकत देना, खुदावंद रूहानी जिस्मानी बरकतों से ऐ खुदावंद इनको और इनके घरानों को मनमान कर दे ताकि खुदावंद यीशु ये और ज़्यादा तर नहीं से तेरे घर के लिए काम करें। शुक्र है बाप तूने हमें मौका बख्शा कि हम तेरी हुजूरी में आए। खुदावंद खुदा तू भला है, तेरी इबादत अच्छी है क्योंकि खुदावंद खुदा दिल और गुर्दों को जानने वाला बाप है। खुदावंद खुदा तूने हमें ज़िंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, ये मौका बख्शा कि हम तेरी हजूरी में आए। खुदावंद खुदा खासकर हम कामरान बेटे के लिए दुआ करते हैं कि जब जब उसको बुलाते हैं तो खुदावंद खुदा हमारे साथ
साथ साथ चलता है, तो उसको बरकत दे, उसके घराने को बरकत दे, क्योंकि खुदा खुदा तूने कहा है मुझसे मांगो तो मैं तुम्हें दूंगा। खुदा खुदा हम तेरे से मांगते हैं और बड़े ईमान से मांगते हैं, जो कुछ मांगते हैं सो पा लेते हैं। खुदा खुदा ये खुशियों में हमारे साथ हो। खुदा खुदा आज के दिन को मुबारक कर, हमें एक दूसरे से खुदा खुदा मेल मिलाप रखें, कोई झगड़े लड़ाई दिल में ना रखें, क्योंकि खुदा खुदा तूने कहा है कि मैं साल में खुदा खुदा ये तुम हमें दिन दिखाता है, हम उनसे अच्छे तो नहीं जो इस दुनिया से चले गए, लेकिन खुदा खुदा तूने हम इस दुनिया में हमारा कोई मकसद है खुदा खुदा, तो वो पूरा कर, क्योंकि खुदा खुदा मैं दिल और गिरानियों से तेरे लिए दुआ अपने लिए दुआ करती हूँ कि खुदा खुदा तूने मुझे फिर जिंदगी दी और तंदुरुस्ती बख्शी कि आज मैं तेरी आई खुदा खुदा हैकल में खड़ी हुई। खुदा खुदा मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, तेरी आए बाप मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, तेरा मीठा नाम लेकर। अभी मैं कस्टीना को कहूँगी, उन्होंने गवाही देनी है, क्योंकि जिसके पास बेटा है उसके पास जिंदगी भी है और गवाही भी है। थैंक यू। आप सब लोग जानते हैं, बेशुमार लोग ज़्यादातर सब जानते हैं कि मेरे हस्बैंड बहुत बीमार हैं। 2 दिसंबर से वो इतने बीमार हो गए कि उनको इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई है, इतनी उल्टियाँ हुई हैं कि 16 दिन तो वो उल्टियाँ ही करते रहे, कुछ ना खा सकते थे ना पी सकते थे, और दवाइयाँ भी उनके स्टमक में नहीं रहती हैं। तो ये सिचुएशन की जो थी वो रीना ने बताई, सिस्टर ट्रिशा को बताई करके आना हॉस्पिटल। सिस्टर सब जानती हैं कि हम कितनी परेशानी से गुजरे, सारे बहन भाई बड़ी दुआ कर रहे थे, पास्टर साहब का शुक्रिया उन्होंने बहनों को घर भी भेजा, दुआएं भी दी हैं, लेकिन मैं खुदा का इसलिए शुक्र कर रही हूँ इस कलीसिया के लिए ख़ास तौर से कि यहाँ जिस्मानी तौर पर भी मदद करने वाले मौजूद थे मेरे लिए और रूहानी तौर पर भी मुझे उठाने वाले मौजूद थे। थैंक यू कस्टीना, क्योंकि सचमुच खुदावन ही शफा का मंबा है। अब हम मिलकर सब मिलके केक कटिंग करेंगे, है ना, आप सामने आ जाएं और आप आए दुआ की मांग।